बलात्कारी बाबा के शैतान भक्त इस कदर नीचता पर उतारू हैं कि पंचकुला के सिविल अस्पताल में घायलों पर पथराव करने पहुंच गए। एबीपी न्यूज संवाददाता अमनदीप दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला के दो घंटे जलने के बाद इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में खड़े हैं, जहां एक के बाद एक एम्बुलेंस आती जा रही है। आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस जा रही है और एक आ रही है। कितने लोग जख्मी हो चुके हैं इस आग में। बाबा के फैसला आने के तुरंत बाद ये पंचकुला में आग बह चुकी थी। ये देखिए आप सिविल हॉस्पिटल के ये शॉट्स देखिए, कितने लोगों को चोटें लगी हैं। इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और भी, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते ऐसी तस्वीरें, लेकिन हम मजबूर हैं। देखिए आप कैसे इन लोगों को चोटें लगी हैं और एकदम से पंचकुला हॉस्पिटल भी ओवरलोडेड हो चुका है, फ्लडेड हो चुका है। एम्बुलेंस भी कम पड़ने लगी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पे पत्थरबाजी जारी है। कुछ डेरा समर्थक अभी भी ऊपर चढ़े हुए हैं छत पे, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए एम्बुलेंस आ रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पता चल रहा है कि देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्लैक बैग वाले आदमी पे कैमरा मारे। वो एक डेरा प्रेमी है जो अभी भी शरारत करने के लिए यहाँ पे आया था। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये डंडे उठाए, लोगों को दिखाएं कैसे ये लोग डेरा प्रेमियों को यहाँ से जोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन इनको ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इनके भी कुछ ना कुछ चोट लगी है। आप देख सकते हैं क्या माहौल तनावपूर्ण स्थिति अस्पताल में भी बनी हुई है, जहाँ पे इलाज किया जा रहा है सब। ये देखिए एकदम से समर्थक आए हैं इस गाड़ी में। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल प्लीज उसको दिखाएं। देखिए वो उनकी स्थिति, ये स्थिति काबू से बाहर जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ ये लोग जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी इसको। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।